नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता आनंद कुमार बघेल की सोमवार देर रात कोरिया में तबियत खराब हो गई। खाना खाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई। उन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तबियत में सुधार नहीं होने पर हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। नंद कुमार बघेल को रायपुर के निजी अस्पताल बालाजी हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उनके ब्रेन में भीष का असर हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नंद कुमार बघेल अंबिकापुर से सोमवार देर शाम को ही कोरिया पहुंचे थे और उन्हें बेखुंडपुर में ही होने वाली सामाजिक बैठक में हिस्सा लेना था। इससे पहले डिनर के बाद देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। गैस की समस्या होने के बाद ही उन्हें पेट और सीने में दर्द की शिकायत होने लगी। आनंद फानंद में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सूचना मिलने पर कलेक्टर SP सहित अन्य अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी स्थिति सामान्य है। मणिपुर में 4 दिन पहले उग्रवादियों के हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे पर पार्थिव शरीर सोमवार को छत्तीसगढ़ में उनके गृहनगर रायपुर पहुंचा। आपको बता दें कि कर्नल असम राइफल्स की खुग बटालियन में ही कमांडिंग ऑफिसर थे और मणिपुर में शनिवार को हुए उग्रवादियों के हमले में ही कर्नल और उनकी पत्नी अनुजा बेटा अबीर और अर्धसैनिक बलों के 4 जवान समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि शहीद कर्नल उनकी पत्नी और बेटे के पार्थिव शरीर को लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान दोपहर 12:42 पर रायपुर के हवाई पट्टी पर उतरा और इस दौरान हवाई पट्टी पर कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल त्रिपाठी, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और रायगढ़ के सांसद गोमती साई समेत जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। वहां से पार्थिव शरीर को फूलों से लदे एक खुले ट्रक में कर्नल त्रिपाठी के घर ले जाया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रामलीला मैदान में रखा गया था। शाम को सर्किट हाउस के पास ही एक शमशान घाट में पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। इस बीच शहीद के शोक और सम्मान में पूरा रायगढ़ सहज बंद और बड़ी संख्या में लोग कर्नल को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे हुए थे। तीन दिनों के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि BJP सिर्फ नाम बदलने और इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करती है। दरअसल सोमवार को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। BJP के इस कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने BJP और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 18 साल बाद अचानक शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के आदिवासी की याद आ गई है। अब वे जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। प्रदेश के 1,60,00,000 आदिवासी कैसा जीवन जी रहे हैं, ये शिवराज को याद नहीं आया। PM मोदी जी को तो आदिवासी समाज के बारे में जानकारी ही नहीं है। पता नहीं वो किस दुनिया में किस सपने में जी रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति करने पर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने BJP पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि BJP नाम बदलने से राजनीति, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति, गुमराह की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति में BJP माहिर है और वही कर रही है।